ऐसे कौन से कोर्स होते हैं 10th और 12th के बाद जिसको स्टूडेंट्स करने के बाद वो कामयाब हो सकते हैं? ये कोर्स से जो है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने बेहतरीन है, कोर्स कम्प्लीट करने से पहले उनको जॉब ऑफर मिल जाता है। भीड़ की तरह एक गिने चुने जो कोर्सेस है उसके पीछे ही भाग रहे हैं। सिर्फ नीट का अगर आपका स्कोर कम आ गया तो इंजीनियरिंग में जाने से बेहतर है ये कोर्सेस कर सकते हैं। एक तरफ है स्टूडेंट, दूसरी तरफ है टीचर एंड स्कूल, तीसरी तरफ है पेरेंट्स। बच्चे जो है अगर ये एग्जाम लिखेंगे तो हमारे बच्चे JNU में भी जा सकते हैं। ऐसे कौन से कोर्सेस है खास कर लड़कियों के लिए जिससे करने से वो कामयाब हो सकती हैं? हम लोग तो पूरा क्या कर चुके हैं, BA BCom ये दोनों कोर्सेज को गहरे गहरे समझ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से वो फैमिली बिजनेस को संभालें, किस तरह के कोर्सेज में उनको जाना चाहिए अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल करने के लिए? हमारे बच्चे उस तरह के कोर्स करके आएंगे तो ये बिजनेस को और चार चांद लगा सकते हैं और इस बिजनेस को नए एम पे लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, मैं वसीम गुलबर्गा हेडलाइंस में। आज हमारे साथ जनाब इंजीनियर जमीर अहमद साहब मौजूद हैं जो कि इनोवेटिव स्कूल एंड कॉलेज के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम जिस पर बात करने वाले हैं, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड 12th, तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीर अहमद साहब मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले गुलबर्गा हेडलाइंस के सेशन में उनका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया, जजाकल्लाह जी। सर, जिस तरह से आज का जो हालात हैं, जो स्टूडेंट्स जिस तरह से एजुकेशन में 10th और 12th के बाद कौन कौन से ऐसे कोर्स होते हैं, स्टूडेंट्स को किन कोर्सेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और ज़्यादातर एक भीड़ की तरह जो स्टूडेंट्स चंद गिने चुने दो चार ऐसे कोर्सेज हैं जिसके पीछे स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, तो इन हालात में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? ऐसे कौन से कोर्स होते हैं 10th और 12th के बाद जिसको स्टूडेंट्स करने के बाद वो कामयाब हो सकते हैं? शुक्रिया, बहुत 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 बेहतरीन सवाल है वसीम भाई का गुलबर्गा हेडलाइंस के तरफ से। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और आपने मुझे यहाँ पे दावत दिया और इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए बुलाया। और मैं शुरू करने से पहले मैं अपनी क्विकली एक मिनट के अंदर अपनी तारुफ़ करना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को, सारे लोगों को मालूम पड़े कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली मैं जो है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से, कनाडा मीडियम से 10th की मेरी स्कूलिंग हुई छोटे छोटे गांव देहातों में। उसके बाद मैंने PUC किया, डिप्लोमा किया BE और MTech करके। तकरीबन जो है मैं 21 साल दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में मैंने अपनी जॉब किया। उसके बाद मैं इस एजुकेशन फील्ड में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। इस ताल्लुक से मैं चंद चीज़ें, जैसा कि वसीम भाई का बहुत बेहतरीन सवाल था, क्योंकि अभी हाल हाल में हमारा 10th का रिज़ल्ट आया है। 10th के बच्चे जो है इस साल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 53% आया है, जो 47% बच्चे जो है वो इनकम्प्लीट हुए हैं, उसको फेल नहीं कहा जा रहा है। इंशाल्लाह और दो उनके चार पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं उसको जहन में रखते हुए जो बच्चे 10th किए हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लड़कों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन दोनों के ऊपर भी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो है, जब बच्चे 10th करते हैं तो उनको अपनी कैपेबिलिटी को जानना चाहिए, वो कितने लेवल तक समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, उनका क्या स्कोर है और उनके वालिदैन के इंटरेस्ट क्या हैं, और स्कूल और टीचर से मशवरा करना चाहिए कि वो क्या कोर्सेस करना चाहिए। ना कि सब लोग जो है PUC में जा रहे हैं, ये भी जाके एडमिशन कर रहे हैं, सभी बच्चे जा रहे हैं डिप्लोमा में एडमिशन कर रहे हैं। तो इसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के लिए आजकल अच्छे नए तरीके निकले हैं। एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो अभी गुलबर्गा में चंद ही काउंसलर उसको शुरू किए हैं। उस तरह के अगर आप एक टेस्ट लेंगे तो आपको पता चलता है कि बच्चे की ज़हनियत किस डायरेक्शन में जा रही है। बच्चा मेडिकल में जाना चाह रहा है, इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, लॉ में जाना चाह रहा है, किसी और फील्ड में, डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, किसी में भी जाना चाह रहा है। तो वो एक टेस्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी है, वो लेंगे तो पता चलेगा। वरना ऐसे भी जो है स्कूल के टीचर, पेरेंट्स और बच्चा अपना करियर वो डिसाइड भी कर सकते हैं कि भाई हम इसमें आगे जाना। तो ये है। अब इसमें जो कि अक्सर बच्चे जो है डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं,
ज्यादातर डिप्लोमा में ले रहे हैं। ये डिप्लोमा में क्या ले रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। सबका जहन ये है, या अभी चंद मशहूर डिटेल कोई भी अगर देख रहे हैं तो उससे पता चल रहा है कि एआई, बस ये दो में ही ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं। बेशक ये दोनों कोर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये जानना जरूरी है कि इसके अलावा भी आप कुछ और कोर्सेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि GTTC गुलबर्गा का मशहूर। जी ये कौन सा कोर्स है? क्या ये GTTC गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये जो है गवर्नमेंट का एक बेहतरीन डिप्लोमा कोर्स है। ये 4 साल का कोर्स है। नॉर्मल डिप्लोमा कोर्स 3 साल के हैं, लेकिन ये 4 साल का कोर्स है। ये 4 साल का कोर्स में बच्चे के लिए टूल एंड डाई मेकिंग, ये जो कोर्स इतना बेहतरीन कोर्स है, जहां पे बच्चों को जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, ये गुलबर्गा में भी अवेलेबल है। और दो कॉलेज हैं, एक है GTTC, एक जो है KTTI कर्नाटका टूल ट्रेनिंग, ये आफ्टर टेंथ के बाद की है। तो इस कोर्स में भी जब वो एडमिशन लेंगे तो वहां पे भी टूल एंड डाई मेकिंग का कोर्स उनके पास भी है। तो ये कोर्स से जो है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने बेहतरीन है, कोर्स कंप्लीट करने से पहले उनको जॉब ऑफर मिल जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्सेस हैं। इस तरह के कोर्सेस अगर डिप्लोमा में हमारे बच्चे कोशिश करके उन कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो ये उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन होंगे, और साथ ही साथ वो अपने बाद में कोर्स के बाद वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं। इस ताल्लुक से ये बड़ा अहम चीज है डिप्लोमा के ताल्लुक से। ये रहे सिर्फ लड़कों के लिए, ये बड़े बेनिफिशियल कोर्सेस हैं। लड़कियां इनके लिए बहुत अच्छे कोर्सेस हैं, टेंथ के बाद भी सर्टिफिकेशन कोर्सेस कर सकते हैं। आजकल जो है कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी कोर्सेस बहुत छोटे छोटे कोर्सेस हैं जो कि वो लड़कियों के लिए कर सकते हैं, मेहंदी डिजाइन है, ये सारे छोटे छोटे कोर्सेस करके वो टेंथ के बाद भी जो है कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं गुलबर्गा शहर एक एजुकेशन हब माना जाता है, यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई तरह के मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज यहाँ के स्टूडेंट्स में देखी जाती है। उसके बाद भी मेजोरिटी ऑफ यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो अनएजुकेटेड देखे जाते हैं। वहाँ पर टेंथ अगर वो फेल हो जाएं तो उसके बाद वो स्कूल पढ़ना छोड़ देते हैं, या PUC फेल हो जाएं तो वो कॉलेज के बाद आगे की पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भी जिस तरह से आपने भी बताया भीड़ की तरह एक गिने चुने जो कोर्सेस हैं उसके पीछे ही भाग रहे हैं। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए ऐसे और कौन से कोर्सेस हैं जिसको सीखने के बाद वो कामयाब हो सकते हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं इस ताल्लुक से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने डिप्लोमा के ताल्लुक से बताया, उसी तरह से एक और कोर्सेस भी है, ITI कोर्स है, उसमें भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। उसमें CNC कोर्स करना चाहिए टेंथ के बाद लड़कों के लिए। खास तौर पे लड़के जब भी टेक्निकल कोर्स करेंगे तो इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, ना कि सिर्फ आप ITI फिटर, उसकी भी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि अभी नए कोर्सेज, जैसे मैंने कह रहा था कि CNC है, इस तरह के कोर्सेज करेंगे तो उनके लिए बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। और जो दूसरी कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, वो भी वो कर सकते हैं। जैसा कि लड़कियों के लिए खास तौर पे फूड एंड न्यूट्रिशन, ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है, टेंथ के बाद ये भी कर सकते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज हैं जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अब मैंने जो दूसरा अहम चीज जो मैंने नहीं बताया वो है कि PUC, जब PUC में अक्सर बच्चे जो है साइंस में एडमिशन लेते हैं टेंथ के बाद, क्योंकि एक था स्ट्रीम डिप्लोमा, दूसरा था PUC। अब ये दूसरा वाला जो PUC है, PUC के बाद PUC में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो अक्सर बच्चों की रुझान है कि सिर्फ साइंस में एडमिशन लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि साइंस के बाद काफी सारे आपको कोर्सेस करने के लिए मौका मिल जाता है, बहुत खुशी की बात है। तो ये PUC में भी 3 चीजें हैं, एक है आर्ट्स है, दूसरा है साइंस है, तीसरा है कॉमर्स है। इन 3 कोर्सेस में भी ये एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं अब जो है साइंस में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, सिर्फ नीट, अभी जो चल रहा है माहौल, सारे बच्चे नीट में जाना चाहते हैं। बेशक बहुत अच्छी बात है, हमारे कम्युनिटी में डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, और डॉक्टरों की जरूरत है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी जरूरत है। लेकिन हो ये रहा है कि नीट अगर नहीं हुआ, नीट में
530 से कम मार्क आए तो उनको फ्री MBBS सीट मिलना मुश्किल है। तो वो कोर्सेज के ऊपर जो है हमारी तवज्जो कम हो चुकी है। तो हमें फोकस साइंस के बाद बच्चों को साइंस जब कर रहे हैं उसी दौरान उनको ट्रेन करना चाहिए बच्चों को। उसको कहते हैं कि अलाइड हेल्थ साइंसेस, जहां पे आप PUC साइंस करने के बाद में आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ आजकल 10 से 15 कोर्सेज जो निकले हैं BSc में, ऑपरेशन थिएटर BSc में अलाइड हेल्थ कोर्सेज हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, जहाँ पे हमारे लड़कियां जो है उसको कोर्स करके हमारे कम्युनिटी में सर्व कर सकते हैं, नर्सिंग है, ऑप्थल्मेजी है, और क्या बोलते हैं रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है। तकरीबन 10 से 12 कोर्सेज हैं जहाँ पे BSc नॉर्मल CBZ PCM के अलावा भी ये कोर्सेज हैं जो गुलबर्गा के यूनिवर्सिटीज में भी अवेलेबल है, KVN यूनिवर्सिटी में अवेलेबल। अच्छा। हमारे बच्चे जो है इसमें भी दाखिला लेके ये कोर्सेज कर सकते हैं। सिर्फ नीट का अगर आपका स्कोर कम आ गया तो इंजीनियरिंग में जाने से बेहतर है ये कोर्सेज से जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको। सर, जिस तरह से आप कई नए नए कोर्सेज के बारे में यहाँ पे ब्रीफ करा रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स को जाने के लिए किन लोगों का अहम रोल होता है? जैसा कि स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, या फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादातर लोग देखते हैं कि अपने फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, वो स्टूडेंट उधर ही ख्वाहिश करता है जाने की, तो इसमें सबसे बड़ा अहम रोल किसका होगा इन कोर्सेज की तरफ स्टूडेंट्स को ले जाने में? देखिए, सबसे अहम रोल किसी भी कोर्सेज के ताल्लुक से तीन पार्टी है, इसमें तीन लोग शामिल हैं, तीन जैसे कि एक ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, एक तरफ है स्टूडेंट, दूसरी तरफ है टीचर एंड स्कूल, तीसरी तरफ है पेरेंट्स। ये तीनों मिलके जो है सिंक्रोनी होती है। इस तीनों मिलके बच्चों की अक्सर होता है कि वालिदैन डिसाइड कर देते हैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है। अगर उसका इंटरेस्ट है कि लॉ के तरफ, उसका इंटरेस्ट है CA बनना चाह रहा है, लेकिन बच्चे को हम फोर्स करते हैं, तो इन सब चीजों को समझने के लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। या अगर वालिदैन जानते हैं कि उसका फोकस अच्छा है, एक ही तरफ है, तो उसको वो डायरेक्शन में लेके जाएं, वरना इस टेस्ट के जरिए भी पता चलता है कि उनको कौन से कोर्सेज में जाएंगे तो वो आगे फ्यूचर में बेटर कर सकते हैं। सर, NDA और CLAT कोर्सेज क्या है? सर, NDA और CLAT कोर्सेज के बारे में थोड़ा ब्रीफ कराइए। बहुत अहम चीजें हैं, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो है सिर्फ जैसा कि मैंने कहा मेडिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा भी जब PUC साइंस जब बच्चे करते हैं तो इनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडिया में 5 कॉलेजेस हैं जहां पे बच्चा अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसको सीधा से मिलिट्री में अगर जाएगा तो वो कमांडर बनेगा, एयरफोर्स में जाएगा तो मार्शल बने, नेवी में जाएगा तो मार्शल बनेगा, एयरफोर्स में जाएगा तो विंग कमांडर बनेगा। उसका ये तक अपॉर्चुनिटी है कि वो जनरल मिलिट्री हेड ऑफ इंडिया भी बन सकता है। हमारे बच्चे उस तरह के कोर्सेज के लिए भी कोशिश करें, वो NDA के जरिए आता है। एक दूसरा मैंने जो बोला CLAT, ये है लॉ के लिए। बच्चे जो है अगर ये एग्जाम लिखेंगे तो हमारे बच्चे JNU में भी जा सकते हैं, हमारे बच्चे जामिया मिलिया में भी पढ़ सकते हैं, एक बेहतरीन मशहूर लॉयर बन सकते हैं। कई कोर्सेज हैं, जिस तरह से आप आगे अगर PUC के बाद, डिग्री के बाद आप देख सकते हैं, और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें UPSC है, IAS है, KAS है, ऐसे कोर्सेज के बारे में तवज्जो गुलबर्गा में कम देखी जाती है। बेशक, देखिए KPSC UPSC एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, और इसमें कोशिश करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों का क्या है कि शॉर्टकट में बेनिफिट चाहते हैं, शॉर्टकट में जल्दी से छोटा कोर्स कर ले, जॉब में चले जाए। इसके बजाय बच्चों को अगर इस ताल्लुक से, UPSC के ताल्लुक से अर्ली 8-9 स्टैंडर्ड से ही उनको एक डायरेक्शन दें कि बेटा आपको UPSC करना है। UPSC जब आप UPSC करेंगे तो आप UPSC में टॉपर बनेंगे तो आप IAS ऑफिसर बनेंगे, नहीं बनेंगे तो दूसरे जो सिलेक्शन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये भी कोर्सेज कर सकते हैं। मैं एक और चीज कहने से चूक गया, जो BSc में कह रहा था, BSc में और सारे बहुत अच्छे कोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है BSc में,
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे हैं बीएससी में फॉरेंसिक। मैं इस ताल्लुक से भी कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि फॉरेंसिक आज का हॉट टॉपिक है, हमारे बच्चे बीएससी फॉरेंसिक नहीं कर रहे, तो इसमें भी हमारे बच्चे जाए। तो इस तरह से पीयूसी के बाद, पीयूसी साइंस के बाद बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। ठीक है, मैं और एक सवाल आपसे लड़कियों के ताल्लुक से करना चाहूंगा। जिस तरह से लड़कियों की तालीम की अगर आप बात करेंगे तो लड़कों से आगे लड़कियों को तालीम हासिल करते हुए एक तरफ तो देखा जा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी बात चल रही है कि ज्यादातर लड़कियां इंजीनियरिंग करने से नाकाम हो रही है, इंजीनियरिंग करने से लड़कियों को नुकसान हो रहा है। तो किस तरह से लड़कियों को इंजीनियरिंग करने से नुकसान हो रहा है, मैं सबसे पहले ये सवाल आपसे करूंगा। और दूसरा, ऐसे कौन से कोर्सेस है खासकर लड़कियों के लिए जिससे करने से वो कामयाब हो सकती हैं, अपने वो सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं लड़कियां, उस पर थोड़ा ब्रीफ कराइए। बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि आज के माशरे में आप अगर देखेंगे खास तौर पे हमारे रीजन में, क्योंकि हमारे को इजी एक्सेसिबल इंजीनियरिंग अवेलेबल था, जो बच्चे नीट या एमबीबीएस नहीं मिला तो वो सीधे सीधे जो है इंजीनियरिंग में लड़कियां एडमिशन करवा रहे हैं। ये जब वो कोई भी कोर्स इंजीनियरिंग का कर लो, चाहे सिविल कर लो, आर्किटेक्चर कर लो, या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, खास तौर पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बच्चियां बहुत सारे पढ़ लिए हैं, बी भी कर चुके हैं, एमटेक भी कर चुके हैं। अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं, क्योंकि 21 साल जब मैं इंडस्ट्री में था, मैंने ये देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस का बड़ा प्रॉब्लम आता है उनको, क्योंकि फैमिली और को लेके चलना जरूरी है। जब वो, हालांकि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन चुके हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वो फैमिली को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उससे उनकी बड़ी नाकामयाबी हो रही है। वो 1% ही बच्चियां जो है जॉब कर रहे हैं, बचे हुए बच्चियां कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिए लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। उसके बजाय जैसे कि अलाइड हेल्थ साइंसेस हैं, सबसे मैं छोटी एक कोर्स बताना चाहूंगा, डी फार्मेसी, जिसके पास माशी हालत कमजोर है, जो वालिदैन की माशी हालत कमजोर है, वो चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्ची को पढ़ाना है तो आप डी फार्मेसी करवाइए। 2 साल का कोर्स है जहां पे उसकी कंप्लीट के बाद उसको एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से बीएससी फिजियोथेरेपी है जहां पे वो कंप्लीट करने के बाद में अपने हुदूद में रहते हुए, दायरे में रहते हुए लड़कियों को, लेडीज को जो है ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से BUMS है, अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है, नीट में कम स्कोर हुआ है, तो आप वो करवाइए। BAMS है, BHMS है, अलाइड हेल्थ कोर्सेस करवाइए ताकि बच्चों को एक अच्छा सा उनका हो जाए। आखिर में नहीं तो भी BSc करवाइए, जो CBZ है, PCM है, BEd करवाइए, वो टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। उनका जो है आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ रोजगार तलाश करना है तो बड़े आसानी से रोजगार मिल सकता। ये प्रोफेशनल BA BCom कोर्सेज के ताल्लुक से क्या कहेंगे आप, ये क्या, किस तरह से बच्चे इन कोर्सेज की तरफ तवज्जो दें? माशाल्लाह, बेहतरीन सवाल है। हम लोग तो पूरा क्या कर चुके हैं, BA BCom ये दोनों कोर्सेज को गैर गैर समझ रहे हैं। अगर देखा जाएगा तो BA में बहुत सारे अभी कॉम्बिनेशन निकल चुके हैं। एक कॉम्बिनेशन है BA इन इकोनॉमिक्स, आप कॉमर्स के जरिए भी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BA इन इकोनॉमिक्स। जैसे मैं ये एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, जो हमारे रघुराम रंजन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ रिजर्व बैंक के रह चुके हैं, वो भी BA इन इकोनॉमिक्स ही किए थे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इकोनॉमिक्स के तरफ तवज्जो दें। BA में बहुत अच्छा कोर्सेस अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज कहते हैं इसमें। BA में आपको मास कम्युनिकेशन, इसके बाद आप MA इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये हमारे माशरे में कमी है। हमारे बच्चे बेहतरीन जर्नलिस्ट बने, ये सारे कोर्सेज BA से ही निकलते हैं। सही। तो अब BCom की एक ऐसी चीज है, BCom भी बहुत बेहतरीन कोर्स है। हमारे बच्चे जो है CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। आप CA इतना बेहतरीन कोर्स है कॉमर्स के बाद, बच्चे अगर साथ ही साथ वो पढ़ ले BCom के साथ और CA बन जाए तो हमारे माशरे में बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का वो ऑडिट कर सकते हैं। ये सारे अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह अच्छे अच्छे कोर्सेस आपने हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर बताए हैं। इससे हटकर मैं आपको ये सवाल करना चाहूंगा कि तकरीबन कोर्सेस में भी
वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे और तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद भी चंद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अच्छा खासा पढ़ने के बाद भी वो आखिरकार अपने फैमिली बिजनेस पर आते हैं, लेकिन पढ़ते कुछ और फील्ड में हैं, फैमिली बिजनेस कुछ और फील्ड की तरफ उन्हें ले जाता है, तो ऐसे में किस तरह से वो फैमिली बिजनेस को संभालें। और कई अच्छे अच्छे फैमिली बिजनेस भी लोगों के होते हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि उनके पेरेंट्स की भी आगे चल कर हमारे जो बच्चे हैं हमारा फैमिली बिजनेस संभालें, तो इनके लिए किस तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या किन तरह किस तरह के कोर्सेस में उनको जाना चाहिए अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल बहुत सही आपने कहा, क्योंकि देखिए कोई भी एक बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए काफी साल लगता है। जो भी साहब हैं गुलबर्गे के हो कहीं पे के भी हो, उनको कुछ एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी एक बिजनेस बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। अगर उनके बच्चों को उस फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना है तो बड़ा आसान है, ये जरूरी नहीं है कि वो बगैर पढ़े के सिर्फ बिजनेस में आए, पढ़कर भी बिजनेस में आ सकते हैं। मैं उनको चंद एग्जांपल देना चाहता हूँ फैमिली बिजनेस को किसी ने किस तरह से ग्रो किया। मैं अजीम प्रेम जी का एग्जाम लेना चाहता हूँ, विप्रो के। विप्रो के अजीम प्रेम जी साहब जब लंदन में ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ने के लिए गए थे फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए, उनके चंद वजूहात के साथ वजह से वो वापस आ चुके। लेकिन आज जो है आपके बच्चे कोई इंजीनियरिंग पढ़े या बीए पढ़े बीकॉम पढ़े, उसके बाद में आपको एमबीए में फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट बोल के अभी एमबीए निकला है, आप इंडिया में भी कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस पुणे में है और जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है जो कि फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट पे तवज्जो दे रही है। हमारे बच्चे उस तरह के कोर्स करके आएंगे तो ये बिजनेस को और चार चांद लगा सकते हैं और इस बिजनेस को नए आयाम पे लेके जा सकते हैं फैमिली बिजनेस को। बिल्कुल, और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 10th 12th के बाद भी क्या आज गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं या कोई मुख्तलिफ ऐसे कोर्सेस हैं जिसको करने के बाद अच्छी गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट्स को लग सकती है बच्चों को? बेशक बेशक, क्योंकि देखिए 10th के बाद बच्चे को एक रेलवे डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्जाम होता है, SSC कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कमीशन क्या करता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बच्चा जब एनरोल करता है तो उसका टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज होता है, ये बेसिक चीजें रहते हैं। बच्चा अगर इसको तवज्जो देगा तो आसानी से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब मिल सकते हैं, जैसे कि TC है, ये 10th के ऊपर है। अगर बच्चा डिग्री के ऊपर अगर करेगा गवर्नमेंट जॉब, इतने अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि आप यकीन न जानिए, जैसे कि आपको पासपोर्ट ऑफिसर है, आप बीए के बाद भी आप उस एग्जाम को लिख सकते हैं, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है, ग्रेड ए एग्जाम जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक डिग्री के बाद ग्रेड ए एग्जाम बच्चा अगर टेस्ट लिखेगा, अगर उसकी तैयारी बच्चा करेगा, कोई भी डिग्री बीए लीजिए बीए लीजिए कोई भी डिग्री के बाद इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब्स, बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकते हैं। खास तौर पे जैसे कि मैं एक चंद अहम जगह बताना चाहूंगा, फॉरेंसिक है, उसको BSc की डिग्री काफी, और आपको UPSC हमने बात ही किए हैं, उसको भी सिर्फ एक BA की डिग्री काफी है, ये जरूरी नहीं कि दूसरे डिग्री से भी वो कर सकते हैं। तो कोशिश ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी KPSC है UPSC है स्टाफ सिलेक्शन है, इनके आप देखते रहना है। 10th के बाद आप पुलिस की भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे जो ग्रेड 4th जॉब्स होते हैं 10th के बाद उसको रहता है, ग्रेड 1 जॉब जो होते हैं वो डिग्री के बाद होते हैं, तो इसमें भी हमारे बच्चे कोशिश करके आराम से जॉब हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई, जिस तरह से आपने अपने हाथ में एक पोस्टर हाथ में आपने पकड़ा है कि व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड 12th, इसको जिस तरह से मैं देख रहा हूँ एक चैन की तरह यहाँ पर तमाम कोर्सेज को इसमें शामिल किया गया है, किसकी इसमें मेहनत है, किस तरह से आपने इसको तैयार किया है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप इससे, ये बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो मैं अमीन मुदस्सिर जो सिग्मा के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बेहतरीन एक चार्ट बनाया है, मैं वही चार्ट को रेफर कर रहा हूँ, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बेहतरीन मेहनत से वो एक पोस्टर बनाए हैं। हमारे व्यूअर्स को ये पोस्टर जो है हम शेयर करेंगे। बहुत सारे कोर्स हैं, क्योंकि वक्त की कमी रहने की वजह से हम पूरे कोर्सेज को कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं जो हम वक्त की तंगी की वजह से हम नहीं कवर कर पाए, आप उन पोस्टर को देखिए, हमारे व्यूअर्स को वसीम भाई जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसको शेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर जमीर अहमद साहब आफ्टर 10th एंड 12th जितने कोर्सेस होते हैं, किन कोर्सेस में आप लोगों को
शामिल होना चाहिए, किन कोर्सेज को सीख कर आप कामयाब हो सकते हैं, इस पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं और एक बार मैं जहीर अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी कुछ ब्रीफ दें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये इनोवेटिव स्कूल से आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल, उसके बाद फिर अभी हाल ही में इनोवेटिव कॉलेज भी स्टार्ट किए हैं, तो किस तरह से आप वहाँ पर तालीम दे रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट से आप क्या कम्युनिटी को हमारे बेनिफिट दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम शुरुआत में पहला स्कूल शुरू किए इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल 15 साल पहले, बिल्कुल हमारा फोकस ये था कि हम हमारे कम्युनिटी के जो लो इनकम ग्रेड होंगे उनको हम फोकस करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है शहर में तकरीबन 1800 बच्चे हमारे जो है इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में है, उसमें कई सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमको लगा कि हमारे कम्युनिटी में एक बेहतरीन स्कूल होना चाहिए जहाँ पे हम जो के शहर के जो बड़े बड़े कैंपस वाले स्कूल है उसको हमको बीट करना है, हमारे बच्चे भी उस तरह के कैंपस को हो। तो हमने आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल जो कि CBSE के लिए वो बनाया है, और वहाँ पे हम उसी तरह की चीजें जैसा कि बड़े बड़े शहर के स्कूल में हो रहा है वो सारे चीजें हम भी उसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो तीसरी चीज थी कि जब हम ये इसके बाद हमको लगा कि हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी में हम हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड PUC हो, उसी लिए हमने PUC भी हमने शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे ऑलराउंड जो तीन तरह के जो बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर, एवरेज लर्नर, अबव एवरेज लर्नर, इन तीनों को फोकस करते हुए हम एक बेहतरीन इदारे कायम किए हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के या जो भी गुलबर्ग के शहर के बच्चे जो भी बच्चे हैं हम इन सबको एक अच्छी तालीम दे के इनको हम सिर्फ और सिर्फ ना कि इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी दूसरे शोबों में जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, साइंसेस है और रिसर्च है, इन सारे चीज़ों पे हम फोकस के लिए एक तालीमी इदारा शुरू किए हैं। अल्लाह से दुआ गो है कि हम आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश करते हैं कि हमारे जो इदारे में जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं इसमें और जो है कामयाबी हासिल हो। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोगों ने अभी सुना इंजीनियर जमीर अहमद साहब जो कि अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी अभी काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए आप फ़ायदा हासिल करेंगे, और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो अपने बच्चों को सही राह पर, सही रास्ते पर जो इंटरेस्ट रखते हैं उन कोर्सेज को सिखा कर वहाँ पर बच्चों को कामयाब कर सकें। और मैं इस वीडियो के ज़रिए और एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम और आप देखते हैं हाल ही में जिस तरह से SSLC का रिजल्ट आया उसके बाद कई ऐसे मैसेजेस और कॉल्स हमें मिले हैं कि जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं उनके पेरेंट्स थोड़ा सा उनसे नाराज होने की वजह से वो कुछ बच्चे घर छोड़कर गए हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में गए हैं। तो अभी जहीर अहमद सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वो फेल नहीं हुए हैं और उनके पास दो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो और आगे कोशिश कर कामयाब हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को किसी तरह से इंकरेज करिए, मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखिए, अपने बच्चों के आगे फ्यूचर के लिए उन्हें कोशिश करिए कि वो आगे बढ़ सके। और जिस तरह से अभी सर ने बताया बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत माँ बाप और टीचर्स की है कि वो अपने बच्चों पर पहले से ही ध्यान दें और ये जानने की कोशिश करें कि वो किस फील्ड में जाकर कामयाब हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा हासिल होगा।